सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वो इतना फिर सामर्थ्य है ना परमेश्वर, जो हमारी विनती हमारी समझ से सोच से भी परे काम कर सकता है। ना तो बल से ना शक्ति से, जो होगा उसकी आत्मा से होगा। बोलो आत्मा के अभिषेक को मांग। हालेलुया। कुछ नहीं होगा आपके बल से, कुछ नहीं होगा आपकी शक्ति से। कई वक्त इंसान अपना बल लगाता है, अपनी ताकत लगाता है, अपने पैसा कमाने के लिए अपना बल लगाता है, अपनी ताकत लगाता है, अपनी समझ लगाता है। बाइबल में कहा, ए मनुष्य तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वे तेरे काम सफल करेगा। चाहे वो आपका काम आपकी चिंगाई है, आपका उद्धार है, आपका छुटकारा है, आपका बेबी ब्लेसिंग है, कुछ भी है, लेकिन उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे काम को सफल करेगा और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तू कंफ्यूज नहीं होगा, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। कहता वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पर कब? जब तू अपनी समझ का सहारा ना लेगा और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेगा, तब। लेकिन उसी को स्मरण करके सब काम करना। स्मरण करके मतलब आपको क्या लगता है? वैसे याद करके प्रभु तेरे नाम से काम शुरू करने जा रहे हैं, सब कुछ वधिया हो जाए, ऐसे? स्मरण मतलब स्पिरिट में, अपनी आत्मा में उसे याद रख के, मतलब उसे अपनी जिंदगी में पहला स्थान देके, प्रेयर में रहकर, रोजो में रहकर, पवित्रताई में रहकर, फाइट करके डेवल के साथ, वचनों के बीच प्रार्थना कर, मतलब परमेश्वर पर निर्भर रहकर पवित्र आत्मा के साथ, लेकिन उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तेरे काम को सफल करेगा। उसे याद करके, इसलिए अगर जो भी कोई आज पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, जो होली स्पिरिट ने मुझे वर्शिप करने को बोला, होली स्पिरिट ने, कई लोग अपना बल लगा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे कर्जा उतरेगा, कैसे घर बनेगा, किस डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन खाऊं, क्या कराऊं कि कुछ हो जाए। प्रभु कहते हैं, ना तो तेरे बल से होना है, ना तो तेरी शक्ति से कुछ होना है, ना तो तेरे पैसे से कुछ होना है, मुझ पर भरोसा रख। भरोसा मतलब क्या आपका? प्रभु विश्वास है, मैंने तू करेगा, ऐसा विश्वास नहीं। भरोसा मतलब एक अंदर से, मैं वो वचन के बीच में से बताऊंगा, अंदर स्पिरिट में तू मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर डिपेंड रह, मेरी सामर्थ को प्राप्त कर। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ें, कुलुसियों की किताब पहला अध्याय उसकी एक आय से लेकर 17 आय तक। इसीलिए जिस दिन से जय सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, जहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें
अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी जा अनदेखी। यह क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुएं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब बोलो आमीन। आमीन। सुना आपने इस वचन में, पौलुस कलीसियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और उन्हें बोलता है। पौलुस किन चीजों को लिखता था? जिन चीजों में वो खुद चलता था और उसके द्वारा प्रभु से वरदान पाता था, पावर पाता था, अनॉइंटिंग पाता था, आनंद पाता था। वो कहता था, एक बार कहता वो आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसका मतलब उसने आनंद पाया प्रभु की ओर से, इसलिए दूसरों को सलाह दी कि मैंने आनंद के आनंद में रहने के द्वारा मसा को पाया, सामर्थ्य में मैं बड़ा रहता हूं। मेरे रुमाल से, मेरे ऊपर रुमाल डालकर लोग बीमारों पर लगाते हैं, चंगे हो जाते हैं। इसका सीक्रेट पता क्या है? कि मैं आनंदित रहता हूं। तुम भी आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। जब तुम आनंद में रहोगे, तेरा मसा तेरे अंदर से बहेगा, सामर्थ बहेगी। इसी तरह यहां पर मिश्र पौलुस क्या कहता है? इसलिए जिस दिन यह सुना गया कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, सबसे पहले आत्मिक ज्ञान, दूसरा समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सबसे पहले आत्मिक ज्ञान, दूसरा आत्मिक समझ। आप किस चीजों की ओर ध्यान है, मतलब इसमें आपके बल नहीं है, आपका ताकत नहीं है, आपने करना क्या है? आज प्रभु ने वर्ड दिया कि ना तो तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से, जो होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा, इन लोगों को बता दे। तो आत्मा के द्वारा कैसे होगा, अब सुनेंगे हम। आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो मिरेकल्स कैसे होगा? अगर आप इमरजेंसी सेशन में, बीमार सेशन में, आप कैसे चंगाई प्राप्त करेंगे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आपने बहुत सालों वेट किया, कुछ भी किया, अपनी कोशिशें की, पर कुछ नहीं हुआ। कैसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा? जब आप सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ। जब आप आत्मिक समझ से, आत्मिक ज्ञान से और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएंगे, तब क्या है जे उसकी क्या है, फिर सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में हर काम होना शुरू होगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सेकंड क्या होगा? जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, आत्मिक ज्ञान में बढ़ेंगे, परमेश्वर की समझ में बढ़ेंगे, परमेश्वर को पहचान में बढ़ेंगे, तो क्या होगा? आपका चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाएगा। मतलब जैसा प्रभु चाहता है आप जीवन जिए, वैसा आप जीवन जीना शुरू कर देंगे। कब? जब आप आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। फिर क्या होगा? जब आपका चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, जैसा प्रभु चाहता है, फिर वो आपसे क्या होगा? प्रसन्न होगा, फिर वो आपसे खुश होगा। जब खुश होगा फिर क्या होगा? आगे तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। फिर क्या होगा? जब वो आपसे खुश होगा तो आप में भले कामों का फल लगेगा, फ्रूट लगेंगे, गिफ्ट लगेंगे, वरदान लगेंगे, इंटेलिजेंट होंगे आप खास होंगे, आप धन्य होंगे, आप मुबारक होंगे, आपकी पहचान होगी, आपको ऊंचा करेगा। लेकिन प्रभु कहता है, तू जो तू गुप्त रूप में प्रार्थना करता है, मैं उसे पब्लिकली, उसे प्रगट रूप में तुझे आंसर दूंगा। हालेलुया। जब आप गुप्त रूप में परमेश्वर को खोजेंगे, वो पब्लिक में आपको दिखाएगा कि इसने मुझे खोजा और देख मैंने इसके दिन में क्या किया। हालेलुया। आप गुप्त रूप में परमेश्वर को खोजेंगे, एक बंद कमरे में, प्रेयर में, वचन में, रोजों में, नाइट नाइट जाकर, तो क्या है? वो प्रगट रूप में आपको आंसर देगा। लेकिन तब तुम में भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, फिर आप और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। किससे? उसकी महिमा की शक्ति से।
सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सामर्थ्य या लेकर ना तो बल से ना शक्ति से, जो होगा उसकी सामर्थ्य होगा, उसकी आत्मा के द्वारा होगा, आत्मा की सामर्थ्य होगा। तो यहां पर क्या लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति से। जब आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे तो अपनी महिमा की शक्ति को वो आपके ऊपर प्रकट करेगा, फिर क्या होगा, आप उसकी सामर्थ्य से बलवंत हो जाएंगे, मत तकड़े हो जाएंगे, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाएगी, उसकी पावर आपके ऊपर आ जाएगी। जहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता सह सको, फिर आप आनंद के साथ धीरज के साथ हर चीज को सह भी लेंगे। अगर आपके हालात कोई बुरे भी आए, कोई नेगेटिव परिस्थितियां, कोई नेगेटिव हालात आपकी लाइफ में आए, बुरे हालात भी आए, तो उसे भी आप आनंद के साथ धीरज के साथ सह सकोगे। हालेलुया। कई वक्त आप किसी हालातों को देखो, हालात आपकी लाइफ में आने हैं। एक चीज मैं समझ रहा था कि कई वक्त परमेश्वर हालात क्यों आने, आज मैं सुबह एक चीज को सीख रहा था परमेश्वर से, हालात बुरे आने क्यों है, क्योंकि एक एक आपने बहुत सारी चीजों को सीखा, आज एक नई चीज मैंने सीखा इसमें। कई वक्त लिखा, जिसे पिता अपना पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है, जिसे वो लव करता है ना उसे वो परखता है। मतलब किसी के भी जीवन में काम करना, उसने आपके द्वारा आपको, मतलब कह सकते हैं आपको उसने यूज करना है। मान लो आप सोचते होंगे, मान लो प्रभु ने किसी को परखना है, मान लो परखना है प्रभु ने, मान लो चर्च में मिनिस्ट्री में किसी ने प्रभु ने किसी ब्लंटर को परखना है कि मैं इसे जे मेरे इस काम के योग्य है या नहीं, मैं इसे जे आशीष देना चाहता हूं जे योग्य है या नहीं। जो चर्च का कोई टीम का मेंबर है, प्रभु से परखना चाहता है कि मैं मैन ऑफ गॉड के द्वारा उसे जे आशीष दूं या नहीं, या मैं इसे इस लेवल पर बढ़ाऊं या नहीं, या इसे आने वाले समय में इस लेवल पर खड़ा करूं या ना इस चर्च में उठाकर। तो परमेश्वर ने अगर किसी को परखना है, मान लो वो किसी चर्च का कोई बिलीवर है उसे परखना है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हो सकता है किसी के साथ वो अटैच होगा, किसी सेवकाई के साथ, किसी दास के साथ। कई बार आपको मौका दिया जाता है, पवित्रता ही कौन सी है, ये नहीं कि आपको कभी मौका नहीं मिला और आप पवित्र है। पवित्रता ही वो है जब आपको मौका मिला पाप करने का और आपने नहीं किया, उसे बोलते हैं होलीनेस, कि आपने प्रभु को आदर दिया, प्रभु की रिस्पेक्ट की, वचन को आदर दिया, वचन को माना। तो जब एक व्यक्ति को कई बार फील्ड में रखता है, मैं भी कई बार अपनी टीम को फील्ड्स में रखता हूं, इसको ये डिपार्टमेंट में रखा, इसको ये रखा, इसको ये रखा, फिर उसे अकेला छोड़ देता हूं उस लाइफ में, उसकी लाइफ में, कि ये क्या करता है। हो सकता है वो उसमें ईमानदार रहे, कोई चोरी ना करे, कोई पाप ना करे, कोई गलत अभिलाषा में वो नहीं, वो पवित्रता के साथ उस काम को करे, पर हो सकता है वो गड़बड़ी करे, वो धोखा करे, वो चोरी करे, वो ठगी करे, वो बुरी निगाह से, बुरी इच्छा से उस काम को करे, उस ड्यूटी को करे। पर उसकी, मान लो कोई बंदा चोरी करता है, धोखा करता है, तो उसका कष्ट किसी को होगा, पर वो बंदा परमेश्वर के सामने परखा गया। मतलब किसी को तो कष्ट हुआ, किसको प्रभु यूज करता है, इसीलिए प्रभु अपने लोगों को यूज करता है, दूसरों को भी परखने के लिए अपने लोगों को यूज करता है। अय्यूब को परखने के लिए शैतान को भेज दिया, परीक्षा आई उसके ऊपर, शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, पर क्या है, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। इसी तरह किसी का तो लॉस होता है, जब आपको अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई और उसका फायदा हमें हो रहा है, क्या हमें पता है परीक्षा में हमें भी खड़ा रहना, अगर दुगुना पाना है, अगर ना दुगुना पाना है तो हमें भी परीक्षा में जब परख का टाइम आए हमारी लाइफ में हमें खड़े रहना है। उनके पास वचन नहीं थे पर हमारे पास वचन है, उनके टाइम बाइबल लिखी गई पर हमारे पास लिख होके, उनके उन्होंने ही लिखी पर हमारे पास लिखी हुई आई, उनके अंदर विवेक था कि हमें ये नहीं करना, हमें दसवां हिस्सा देना है, जबकि लिखे कई दासों को तो अभी टाइम ही दसवां हिस्से की आज्ञा भी नहीं आई थी, कईयों की हजे आज्ञा ही नहीं आई थी कि तूने नशा नहीं करना, पर उनका विवेक बताता था मैंने ये पाप नहीं करना। आपका विवेक बताता है कि क्या चीज गलत है क्या सही है, आपके मन के ऊपर प्रकट है हर चीज। तो इसी वक्त कई बार प्रभु किसी को चेक करता है, उसे खुला छोड़ता है कि वो क्या करता है, फिर वो परखा जाता है, चाहे उसके परीक्षा के द्वारा दूसरे को कष्ट हो। इसीलिए प्रभु अपनों को ऊपर कई वक्त आने देता है, दुनिया में अपने लोगों को, खास लोगों को यूज करता है, दूसरों को परखने के लिए, तैयार करने के लिए। उसे पता है इस परीक्षा में
अगर जे सही निकला तो इसके लिए ब्लेसिंग है, अगर जे रॉन्ग निकला तो इसके लिए कष्ट होगा। पर कौन सह सकता है? जो सह सकता है उसके सामने वो कष्ट आने देगा। ठीक है, थोड़ा जो डीप बात होगी, जो समझने वाले होंगे, जो समझ चुके होंगे। फिलहाल आगे क्या लिखा है? लिखे आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज से सह सको। जब फिर आपके ऊपर आनंद आएगा और आप धीरज से हर परिस्थिति को सह लेंगे, आपके ऊपर किसी परिस्थिति का हावी नहीं होगी जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाते हैं। जिस तरह संडे बताता है, हालात कोई भी बुरा नहीं है, देखने का नजरिया गलत होता है कई वक्त। आप बोलते हो मेरा हालात जे, मेरे घर में ये क्यों हो रहा है, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप हालातों को कैसे देखते हैं? हालेलुया। क्या एक आप उसे एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, जहां आप उसको देखकर निराश हो रहे हैं, मेरे पास ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हालात कोई बुरा नहीं, उसको देखने का नजरिया कैसा है। नजरिया चेंज कर लो, हालात चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। नजरिया मतलब आप किसी चीज को, मतलब आपके ऊपर कोई परिस्थिति है, कोई आपके घर में हालात हुआ, आपके बच्चों की फीस नहीं, आपके पास आपके ऊपर कर्जे वाले तंग कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, वो आपका हालात जो चल रहा है उसमें वही हालात को शैतान दिखा रहा है। देख तेरे परमेश्वर ने, नजरिया देखो, आप उसे दिखा रहे हैं। आपने शैतान की सुनी, देख तेरे प्रभु ने क्या किया तेरे साथ, क्या तुझे दिया। अगर परमेश्वर तेरे साथ होता तो तुझे इस चीज से बचाता, अगर परमेश्वर तेरे साथ होता तेरे साथ ऐसा ना होता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, क्या फायदा हुआ तुझे प्रेयर करने का। वही हालात को शैतान इस तरीके से आपको दिखा सकता है, और वही हालात को परमेश्वर इस तरीके से दिखा सकता है, जे तेरे सामने एक परीक्षा है, अगर तू इस चीज में बाहर निकल गया, पार निकला, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। जे तेरे लिए एक परीक्षा है, इसके बाद मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, वरदान दूंगा। अड़ा रह, खड़ा रह, फिर तेरी गवाही आने वाली है, जे मेरी एक परीक्षा है। तो इसीलिए हालात को आप कैसे देखते हैं, ये तो मैंने बताया, एक शैतान की और परमेश्वर की, हालात सेम ही है, पर परमेश्वर की निगाह से आप देखते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है, शैतान की निगाह से देख रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसी तरह कोई भी हालात को आप बुरा मत समझो, उसके लिए अपने नजरिया सोच को बदलो, किस हालात से उसे देख रहे हैं। कई वक्त मेरे सामने कोई हालात आता था, मैं अपनी डायरी पे लिखता था उस हालात को देखकर, अमृत अगर तूने इस हालात को जीता नहीं तो दूसरे लोग भी इस हालात से आने वाले समय में हारते रहेंगे, तेरे चर्च आने वाले। तुझे इस हालात से जीतना है ताजो आने वाले लोगों को तू जिता सके। हालेलुया। अब वही लागो, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, प्रभु इतनी लंबी परीक्षा सबको तूने दिया, मुझे हर चीज देरी में क्यों देता है, हर चीज। उसी हालात को देखकर मैं परमेश्वर के सामने रो सकता हूं, इमोशनल हो सकता हूं, पाप में जा सकता हूं, पर उसी हालात को देखकर मैं एक चैलेंज ले सकता हूं, एक नई फाइट मेरे सामने आई, मैं उसे जीतूंगा और प्रभु से गिफ्ट को, इनाम को पाऊंगा। हालेलुया। हर याद रखो, अगर आपके पास हालात नहीं आए आपको गिफ्ट नहीं मिलेंगे। जो परखा नहीं गया उसे मसा नहीं मिलता, उसे सामर्थ नहीं मिलती। सामर्थ परमेश्वर की पावर लेनी है अपनी जिंदगी में तो आप परखे जाएंगे। जो चाहता है प्रभु मुझे नई परीक्षाएं चाहिए, प्रभु कहता है ठीक है मैं तुझे नहीं दूंगा, पर तू तेरी नॉर्मल लाइफ रहेगी। पर अगर तुझे महान बनना है, सामर्थ्य बनना है कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा, तू सबसे ऊंचा होगा, तू पूछ नहीं तू सिर होगा, तो फिर तुझे परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। चॉइस आपकी होती है कि आप किस तरह परमेश्वर के सामने उन चीजों को लेते हैं। यहां पर जहां तक कि आनंद के साधारण प्रकाश से धीरज और सहनशीलता सह सको, 12 आयत में लिखा है, पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योतियों में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहो कि उसने आपको पवित्र लोगों के साथ जोड़ा, आपको एक अच्छी चर्च दी, संगति दी, अच्छे लोग दिए, अच्छे आत्मिक फ्रेंड्स दिए, कि ताजो आप परमेश्वर में और बढ़ सको। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जब आप थैंक्स करना बंद करते हैं कई वक्त आपकी आशीष आनी बंद हो जाती है। हालेलुया। कई लोग प्रेयर नहीं करते अपनी लाइफ में, थैंक्स नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का, वर्शिप नहीं करते। तो जब आप थैंक्स करना बंद कर देते हैं परमेश्वर आपको देना बंद कर देता है। आप थैंक्स करना फिर शुरू करते हैं परमेश्वर आपको फिर देना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, उसका धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते रहो। 13 आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करवाया,
जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या होता है हमें? यीशु के नाम से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। तो 16 आयते, ये वचन वैसे मैंने आपके लिए पढ़ा पर हम मेन टॉप एक और वचन में आते हैं। 16 आयत को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है। बोलो, उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सिर्जी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। इस वचन में आपने क्या पढ़ा कि सब कुछ, अधिकार, प्रभुताएं, सब चीजें परमेश्वर की ओर से हैं। दुनिया में चाहे वो देखी है चाहे वो नहीं देखी, कुछ चीजें आप दुनिया में देखते हैं, कुछ चीजें आपने नहीं भी देखी, देखी अनदेखी, सब चीजें किसने बनाई? परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। सिंहासन, जो लोग बड़े सिंहासनों पर है, ऊंचे पदियों पदवियों पर है, किसने उन्हें ठहराया? परमेश्वर ने। अधिकार, कई लोग बड़े अधिकार के स्थान पर है, उनके बीच, उनके नीचे 100-100 लोग, 200-200 लोग काम करते हैं, वो अधिकारी है, बहुत अमीर है, किसको किसने बनाया? परमेश्वर ने। लेकिन सब वस्तुएं प्रभुताएं, अधिकार, सब वस्तुएं देखी अनदेखी, सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की है। इसका मतलब जो भी कुछ पृथ्वी के नीचे है परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के पास है। और लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब सब चीजों पर हमारा अधिकार है, पर हमें इस अधिकार को समझना है, इस अथॉरिटी को समझना है और इसे कैसे लेना है। परमेश्वर के अधिकार में है, पर ना तो हम अपने बल से चीजों को ले सकते ना अपनी शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के ही द्वारा हम जे सब चीजों को जो पृथ्वी पर है ले सकते हैं। लिखा, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज, जे सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी, जो सब चीजें मेरी ही सृष्टि की है। मेरे राज्य को खोज, मेरी धार्मिकता को खोज, आत्मिकता को खोज, मेरी पहचान को खोज, मेरी समझ को खोज, तुझे सब चीजें जो पृथ्वी पर है तुझे इन पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेंगी, तेरे पीछे पड़ पड़कर तुझे मिलती रहेंगी। सब बोलो आमेन। जिस दिन आपका जे प्रार्थना का विषय डेली बन गया, उस दिन आपके ऊपर परमेश्वर की वो सामर्थ उतर आएगी जिस सामर्थ की आज हम वशी में बात कर रहे थे। क्या विषय? कि परमेश्वर मुझे अपनी पहचान में बढ़ा। जिस दिन आपका डेली का विषय, बस यही आज का टॉपिक है, जिस दिन आपका हर रोज का प्रार्थना का विषय जो बन गया, प्रभु मुझे तेरी पहचान में बढ़ना है, मुझे तेरी समझ में बढ़ना है, तेरी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, मतलब पूरी उसकी परमेश्वर को पहचान में बढ़ जाओ, उसके गुण, उसकी सामर्थ, उसका लव, उसकी शांति, उसकी दया, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह, उसकी सब चीजों को, मतलब परमेश्वर की जब आप पहचान में बढ़ जाओगे फिर क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ आएगी। इस वचन जो हमें ये बताता है, फिर तेरे ऊपर, फिर ना तो तेरी बल से ना तेरी शक्ति से, फिर जो कुछ होगा तेरे जीवन में उसकी आत्मा के द्वारा होगा, जब आप उसकी आत्मा की पहचान में बढ़ जाओगे। यहां पर लिखा है 14 में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस क्या कहता है? कहता है, मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं। किस बात के लिए वो घुटने टेकता है? आप प्रार्थना किस बात के लिए टेकते हैं? आपको पता होना चाहिए प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना में क्या करना है। पौलुस कहता है, मैं इस बात के लिए घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें जे दान दे कि तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या आपका प्रेयर का विषय क्या होना चाहिए? कि आप उसकी महिमा के धन से एक वरदान पाएं। कौन सा वरदान? कि उसकी सामर्थ का प्रभाव से बलवंत होते जाओ।
और अपने आत्मा से भीतरी मनुष्य की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। मतलब अंदरूनी शक्ति, देखो बाहरी शक्ति की बात नहीं की गई यहां पर परमेश्वर ने। आपको लगता है सामर्थ्य मतलब ताकत मतलब, अब बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बाहरी शक्ति की बात नहीं कर रहा है कि तुम ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। बाहरी वो बाहरी बल है जिसमें आप शारीरिक ताकत बोलते हैं, शारीरिक एनर्जी, फिजिकल एक्टिव, वो एक बाहरी ताकत है। पर परमेश्वर कहते हैं बाहरी ताकत से नहीं, अंदरूनी ताकत से। ना तेरी बाहरी ताकत से, ना तेरी बल से, ना तेरी शक्ति से जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। एक जगह परमेश्वर पुराने नियम में क्या कहता है, परमेश्वर का सेवक कहता है कईयों को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, मेरा भरोसा सेना के यहोवा पर है। समझ रहे, सामने फौज आ रही है, कहता लोगों का भरोसा घोड़ों और रथों पर है, पर मेरा भरोसा सेना के यहोवा पर है। यही चीज, यही इसे बोलते हैं आत्मा की सामर्थ्य, अंदरूनी भरपूरी, अंदर से आत्मा में अपने आप को भरना। अंदर अंदरूनी मनुष्य जो, एक बाहरी मनुष्य है आपका, अंदरूनी मनुष्य जो आत्मा है उसको जब आप मजबूत करोगे, लेकिन अपने आत्मा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आप जब ये वजन गा रहे थे, ना बल से ना शक्ति उसकी आत्मा के द्वारा, क्या आपको अंदरूनी मनुष्य में पावर फील हुई उस समय, अंदर एक ताकत? नहीं, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। आराधना की आपने, आपने उसके वचन की घोषणा की, मतलब आपके ऊपर पावर आई, अंदर से आप मजबूत हुए, बाहर से नहीं, आप अंदर से आपकी आत्मा मजबूत हुई। जब आपके अंदर से आत्मा मजबूत होती है, वही चमत्कार को पैदा करती है जब आप अंदरूनी तौर से मजबूत। कई लोग अंदर से टूटे हुए लोग हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए, कमजोर है, इमोशनल है, निराश, छोटी छोटी बात में रोने वाले, छोटी छोटी बात का बुरा मानने वाले, कमजोर लोग हैं अंदर से। लेकिन अंदर से तो अपने आप को मजबूत कर, हालेलुया। और लिखा है 17 आयत में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। लेकिन विश्वास के द्वारा तुम्हारे मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मतलब अंदर बसे यीशु मसीह तुम्हारे, और जड़ पकड़कर नीम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बलि भांति समझने की शक्ति पाओ। सबसे पहले आप नींव डालो परमेश्वर में, फिर समझने की उसे शक्ति पाओ, फिर परमेश्वर की जानो वो कितनी चौड़ाई उसकी है, कितनी लंबाई उसकी है, कितनी ऊंचाई उसकी है, कितनी गहराई कितनी है उसकी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सब ज्ञान से परे है। फिर आप जे भी अंदरूनी बात की जा रही है कि आप परमेश्वर के उस अंदरूनी प्रेम को जान लो जो सब समझ से परे हैं, जो ज्ञान से परे हैं। कई लोग ज्ञान की स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, वो कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। लिखा जे ज्ञान से बिल्कुल परे है, जो परमेश्वर का प्रेम आप प्रेयर में फील करते हैं, एक अंदरूनी भरपूरी आत्मा की सामर्थ, आत्मिक एनर्जी जो आप एक फील करते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में है और वो ज्ञान से नहीं, लिखे वो सब ज्ञान से परे हैं। 19 आयत में लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सब ज्ञान से परे है। मसीह का प्रेम जो सब ज्ञान से परे है, आप उसे जान सको कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बस यही सीक्रेट है कि परमेश्वर की आप पहचान में परिपूर्ण होके उसकी परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसे अंगीकार करो, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यही है पूरी, परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई, परमेश्वर की पहचान की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। यही हमारा प्रार्थना का घुटने टेकते वक्त हर रोज विषागर बन गया कि परमेश्वर मैंने तेरी पूरी ऊंचाई गहराई लंबाई चौड़ाई तेरी पूरी पहचान में परिपूर्ण होना, मैंने तेरी पूरी पहचान में मुझे बढ़ना है। जब ये टॉपिक बन गया तो इसे बोलते फिर क्या होगा, 20 आयत में लिखा फिर क्या होगा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, जब आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे क्या होगा, अब वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो इतना फिर सामर्थ्य है ना परमेश्वर, जो हमारी विनती हमारी समझ से सोच से भी परे काम कर सकता है। यीशु के नाम,
सोच से भी परे कई चीजें आपको लगता है जी हो सकती है, जे हो सकता है, ठीक है जी मेरी बीमारी है, एक दिन मैंने चंगा हो जाना है, जे हो सकता है, जे हो सकता है। कहते जो तेरी सोच से भी परे है, तेरी समझ से भी परे है, सामर्थ आपको वो दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। जब आप परमेश्वर के प्यार में परिपूर्ण हो गए, उसकी पूरी संपूर्ण परपूरी तक परिपूर्ण हो गए आप, फिर क्या ऐसी सामर्थ आपके जीवन में आएगी जो आपकी सोच से, समझ से, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपकी प्रार्थना से भी बहुत अधिक आपको दे सकता है, आपकी समझ से भी अधिक वो आपको दे सकता है। आपने सोचा होगा इतना क्या, मैंने सोचा नहीं था प्रभु मुझे इतना बढ़ाएगा, जे क्या मेरी समझ से बढ़कर था। जब मैं नए नए प्रभु में आता था, कुछ तो सोचता अच्छा ये करूंगा प्रभु के लिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर उसने सोच से समझ से बढ़कर दिया। कब? जब मेरी खोज का, मेरा प्रार्थना का विषय जे बन गया कि प्रभु बस मुझे प्रार्थना में, मेरा और कोई विषय नहीं था। सच में बोलता आज तक मैंने बहुत सारे विषयों के लिए, कई विषयों के लिए प्रार्थना ही नहीं की, और मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट परमेश्वर में ही है और परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के कामों को बढ़ाना, यही मेरी लाइफ का सबसे हिस्सा है खास। और परमेश्वर ने हर एक चीज को क्या आया, अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन में पूरा किया, क्योंकि क्या उसकी पहचान में। तो यही आपका विषय है आज से, परमेश्वर मुझे तेरी गहराई में, ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई में बढ़ना है, मेरा फोकस टोटली तेरे ऊपर मैंने लगाना है और तेरी सामर्थ में मुझे बढ़ना है, क्योंकि ना तो मेरे बल से कुछ होगा, ना मेरी शक्ति से होगा, जो कुछ होगा तेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसका मतलब अगर आप जे खोज को स्टार्ट करेंगे, डेली आपका प्रेयर का विषय यही होगा, प्रभु मेरे बल से कुछ नहीं होगा, मेरी ताकत से कुछ नहीं होगा, होना तो बस तेरी सामर्थ्य के द्वारा होना है। मतलब कुछ भी आप लाइफ में करो, पहले अपना प्रेयर का टाइम पूरा करो, परमेश्वर के साथ अपना समय पूरा करो, फिर जो चाहे मर्जी करो। हालेलुया। स्पिरिचुअली जो चाहे मर्जी करो, फिर अपने कामों में, काम में जाओ, ड्यूटी करो, कुछ भी करो, परमेश्वर के साथ जब आप बिना टाइम स्पेंड किए परमेश्वर के कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप अपना बल लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं। आपके ऊपर कर्जा है पर आप कोशिशें कर रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं पैसे, इधर से पकड़े इधर को दे दे, इधर ले पकड़े इधर दे दिए, पर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, एक के पास दूसरों के पास, इसे बोलते अपना बल लगाना। प्रेयर में बैठे नहीं पर सब कुछ कर रहे हैं आप, अपनी समझ का, अपनी सोच का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज कर और उसकी पहचान में बढ़। जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, पहचान में बढ़ेंगे, तो वो आपको आपकी सोच से, समझ से, सामर्थ्य से बढ़कर वो आपको दे सकता है। हालेलुया।